आने का मकसद पूछ सकते हैं हम? क्यों नहीं, इस कोठे की मालिका नहीं, मगर हमें हक चाहिए है पूछने का। मालिकन होने की तौकीर तो हमें खुदा ने बख्शी है। अंजुमन आरा, हक मांगने वाला मुराद पूरी हो जाने पर भी शिकस्ता रहे, इंतजार करें, हम आपके कदमों में गिरकर बताएं। हम उस वक्त का इंतजार करेंगे। ये तस्वीर कितने प्यार से मैंने उसके लिए बनवाई थी और वो आई ही नहीं। क्या तुम मेरा एक काम कर सकोगे प्लीज? ये तस्वीर उसे तुम मेरी तरफ से दे देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा, दे दूंगा, अभी जाते ही पकड़ा दूंगा उसको। प्यारी तस्वीर है। कुछ तो दिया होगा, कोई कार्ड, कोई फूल। उसे तो तुम्हारी सालगिरह तक याद नहीं थी। यकीन नहीं आता। वो कहती है कि मुझे भूल जाना ही बेहतर है। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? उसका पैगाम है। तुम तो ऐसे ही उसके लिए मरे जा रहे हो, हालांकि उसको बिल्कुल तुम्हारी फिक्र नहीं है। दिल नहीं मानता, शायद वो अपने घर वालों की मजबूरी की वजह से ऐसा कह रही हो। बस एक बार, चाहे आखिरी बार, सुलेमान उससे कहो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्या मरने से पहले हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते? मुझे बड़ा दुख है, जमील कह रहा था कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, हालांकि हर मौके पर याद उसे मैंने रखा, प्यार मैंने किया। अंजू, अंजुमन। जी खानम। अभी तक सुलेमान के शहर में गुम? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी एक बात याद रखना अंजुमन, आज सुलेमान अहमद तो कल आफताब अहमद और परसों खान आसफ जैसे लोगों का यहाँ आना रहेगा, लेकिन तुम्हें यहीं रहना है। कभी तो खुदा हमें उड़ने की ताकत देगा, कभी तो हम भी किसी की डोली में बैठेंगे। नहीं, कभी नहीं। हम जैसों का मुकद्दर डोली में बैठना नहीं है, इन कोठों को आबाद रखना है। और कुछ चाहिए छोटे नवाब? जी शुक्रिया। बाबा जुबैर साहब से कहिएगा दफ्तर का काम देख ले, आज हम दफ्तर नहीं जाएंगे। बेटा, मैं तो कहता हूं कि अभी भी वक्त नहीं गया, दो चार साल और गुजर गए तो फिर आप ना कर सकेंगे, शादी कर लें। जब आप बाहर जाएं तो कोई अल्लाह के सुपुर्द करने वाला हो, घर लौटें तो कोई बिस्मिल्लाह कहने वाला। ये काम तो आप हमारे बचपन से कर रहे हैं बाबा। आपका भी जवाब नहीं छोटे नवाब। अच्छा, अल्लाह के सुपुर्द। अल्लाह के सुपुर्द।
क्या कह रहे हो तुम? उसे अल्लाह के सुपुर्द कर दो, मुझसे तो दुआ भी नहीं की जाती। सुलेमान वो जा रहा है मुझे छोड़कर। उसे कह दो जिमी कि मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। उसकी अम्मी हजूर को एतराज है ना मेरे ऐसे कपड़े पहनने पर। मैं आगे से ऐसी ड्रेसिंग नहीं करूंगी, मैं खुद को बदल डालूंगी जिम्मी के लिए। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है मरियम। मोहब्बत करती हूँ उससे मैं, जैसा वो चाहेगा मैं वैसा ही करूंगी। सुलेमान, मैं जिम्मी के बगैर मर जाऊंगी। मरियम, मैं उसे समझाऊंगा, समझाऊंगा। सब कुछ तेरे सुपुर्द है मेरे मालिक। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है कि वो तुम्हें बता के क्यों नहीं गया। जिमी उकाड़ा गया अपने मामों के घर। उसकी अम्मी हजूर चाहती हैं कि वो अपनी मामूजात को देख ले। तो क्या जिमी मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा? तुम दुखी ना हो, इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक जिमी बचा है ना कदरा। खबरदार, उसके लिए तुमने एक भी आंसू अपनी आंखों से नहीं बहाना। यूं लगता है आज चांद मगरिब से तलू नहीं हुआ, कुछ अनहोनी है। एक मर्द की आंख में आंसू, वो भी तवाइफ के सामने। आपके इज्जतदार मुआशरे को खबर हुई तो क्या सोचेगा? ये आंसू जो इस वक्त आपकी आंखों में हैं, सब के सब एहसासे नदामत के हैं। हम दुनियादार ऐसा साथ को नहीं समझते, कम जर्फ हैं। इन आंसुओं को यूं ना बहाइए। तो फिर हमें बताइए अंजुमन आरा, हमारा इलाज क्या है? हमें खुद से मुर्दार की बू आती है। खुसरा हुआ कल हमारे हाथ से निकल चुका है। हम चाहते हैं मरियम से, जमील से अपने गुनाहों की माफी मांगे। अंजुमन आरा, जमील तो हमारा दोस्त था लेकिन हम उसके दोस्त ना बन सके। कितना एतबार करता था हम पर, कितना भरोसा था उसको। हमारा ये पछतावा हमारा साथ ही नहीं छोड़ा। आप ही बताइए अंजुमन आरा, हम क्या करें? यहां आइए, हमारे पास आके बैठिए। क्या करें अंजुमन, हमारा माजी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। माजी को भूल जाना ही अच्छा है, वरना हमारे आज को खून लग जाता है। आपने कभी किसी से मोहब्बत की? हम जैसों को मोहब्बत नहीं, इज्जत चाहिए होती है जो नहीं मिलती। हाँ,
देखने में तो इतने वाहियात नहीं लगते आप। मतलब रात कहां गुजारी आपने? हाँ भी, कोई नई नसीहत मत कीजिएगा। मैं दोस्त हूं आपका, क्या इतना कहने का भी हक नहीं है? आंखें तो आप दुश्मन की तरह दिखा रहे हैं। दोस्त और दुश्मन की पहचान आपको नहीं रही नवाब सुलेमान अहमद? एक तो हमारा मसला ये है, हम सब कुछ दूसरों के लिए करते हैं। अपने लिए कुछ नहीं, हमें अपने लिए जीने दो। हम कहां चाहते हैं कहां नहीं, इस मौजू पर कोई बात ना करो। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। सुलेमान, औरत के दो रूप होते हैं जिनसे घर सजता है, एक मां और एक बीवी। मां अल्लाह का आसमानी तोहफा है और बीवी बीवी दुनिया का। आप भी क्या बहुत खूबसूरत है। कौन जिसके पास रात बसर करके आया? पता नहीं, घर के मुतालबे कुछ और होते हैं नवाब साहब। अंजुमन आरा तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे सकती, वो लाचार और बेबस लोगों का फायदा उठाती है। उसकी मिसाल एक गिद्ध सी है जो हराम खाने की अंजुमन, माफी मिल सकती है? तुम, जमील, मरियम और हमारा खुदा हमें माफ कर सकता है। जमील को मरियम से दूर किया अपनी खातिर। जमील मरियम से तो दूर हो गया, लेकिन हम उसे उसके दिल से नहीं निकाल सके। जिस दिन मरियम ब्याहकर सऊदी अरब गई, मैं और जमील हम दोनों गले लगकर बहुत रोए थे। हम दोनों का गम एक जैसा था, मगर उसके गम में हमारे गम जैसा पछतावा नहीं था। मरियम हम दोनों को ना मिल सकी। जिस दिन मरियम गई, उसी दिन जमील ने खुदकुशी कर ली। खानम, खानम साहब, जी फरमाइए नवाब साहब। अंजुमन कहाँ चली गई? वो नमाज पढ़ने गई। नमाज? जी हाँ, हमारी अंजुमन 5 वक्त की नमाज अदा करती। तो फिर ये जगह, यहां लोगों का रातों को आना जाना, अंजुमन से मिलना, ये सब क्या है? यही तो बात है कि इस माहौल में रहकर भी उन्होंने अपने आप को बचाया है।
अब किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? रिस्क इसी बहाने लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं? यासीन पढ़कर दफ्तर किया। रूह के घाव सिर्फ इसमें रब्बी भरता है। किसी भी इंसान के पास ऐसी सिफत नहीं। कई बार हमने सोचा, कई बार कोशिश की, आसमान के पीछे छुपे उस खुदा से मुखातिब हो सके, मगर अंजुमन आरा हम सर नहीं उठा सके। शादी कर ले, शादी कर ले किसी बाहया बा किरदार से। रही अंजुमन आरा, हम खुद को इस काबिल नहीं समझते। बार बार अपनी तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? समीर की चोट बड़ी कारी होती है जीवन आरा। हमारी बात मान ले, शादी कर ले। और उसके सामने कभी हमारा जिक्र भी मत कीजिएगा और ना ही मरियम के बारे में कोई बात कीजिएगा। औरत का दिल बहुत नाजुक होता है, गलती से भी उसका मर्द किसी दूसरी औरत का नाम भी ले ले। बीवी सारी उम्र शक के नाक को अपने सरहाने रख लेती और फिर उसे राजी होने नहीं देता, दिल से दिल को मिलने नहीं देता। आप शादी करें किसी इफ्फत माँ बाकर से। नहीं, समझ गया छोटी नवाब, हमें सूरत शक्ल से कुछ नहीं, ना इमारत चाहिए, बस एक सिफत हो, लड़की फतमा बाकरा हो। जी, मैं आपसे कुछ
कहना चाहती हूँ। मैं अपने खाला की बेटी को बहुत चाहती हूँ, मगर बाबा नहीं मानते। फैसला आपके हाथ में, इख्तियार भी आपका है, आप जो चाहे करें। अपनी नई जिंदगी को मैं झूठ से शुरू नहीं करना चाहती। और मैं इसके बच्चे की दरअसल बाबा के खाला के खानदान वालों से बिल्कुल नहीं बनती थी। क्या ये बाबा जानते हैं सब कुछ? जी नहीं, मगर मैं इतना जानती हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। सुलेमान, मैं जिमी के बगैर मर जाऊंगी। अंजुमन आरा तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे सकती। आप शादी कर। उसकी मिसाल एक गिद्ध सी है जो हराम खाने की आदी हो चुकी है। किसी इफ्फत माप पाकर आप चली जाए। तारा, सुबह होने से पहले ही ये शहर छोड़ के चली जाना, निकाह करके अपनी जिंदगी शुरू करना। अंजुमन, जरा देखो तो, ये हमारी दहलीज पे कौन किस वक्त कबारा गिरा पड़ा है? सहारा दे के अंदर ले आइए खान। आखिर इन किस्मत के मारे लोगों का दुख हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा खानू?